फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने टाइटल देख के तो पता ही लगा लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड यस, आज मैं एक बहुत ही सिंपल एंड इजी यमी चिकन डिश आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो पहली बार कोई डिश चिकन डिश ट्राई करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ये बहुत क्विक चिकन डिश है। ऐसे भी चिकन बहुत जल्दी बन जाती है और ये 30 मिनट में बन जाएगी ये करी। ऑलराइट, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधे चिकन करी पे चलते हैं। हल्दी 3 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून, एक मीडियम साइज टमाटर, मस्टर्ड ऑयल 4 टेबलस्पून, 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए, चिकन 500 ग्राम, 2 हरी मिर्ची, 2 सूखी मिर्ची, 3/4 दालचीनी, 1 काला इलायची, 3/4 लवंग। सो पहले स्टेप में हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम लोग चिकन में 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हो सके तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग चिकन करी करेंगे। उसके लिए गरम तेल में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालिए और तेल को गरम होने दीजिए। तेल गरम होते ही उसमें 2 सूखी मिर्च, 1 काला इलायची, 2-3 दालचीनी और 4 लौंग डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाएंगे। 1 मिनट तक इसको चलाना है और 1 मिनट के बाद चलाने के बाद हम इस पे प्याज डालेंगे। प्याज को हम लोगों तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना दिखने लगे और वो तब पूरी तरह से सॉफ्ट होके गल जाएगी। और ये स्टोव का फ्लेम मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम पे ये जलने का चांसेस रहता है। मैं शुरू में मिर्ची डालना भूल गई थी इसीलिए अभी डाल रही हूँ, आप शुरू में डाल सकते हैं। अब देखिए प्याज पूरी तरह गल चुकी है और गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो इसमें हम अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल देंगे और इसको मिला के अच्छे से चलाएंगे। इसको हम लोग को ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक चलाना है। सो देखिए अभी तेल निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब मसाला अच्छी से पक चुका है। तो अभी हम लोग इस पे टमाटर डाल देंगे और टमाटर को तब तक चलाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। इसके गलने के लिए हम लोग 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अभी टमाटर पूरी तरह गल चुकी है तो हम लोग इस पे सूखा मसाला ऐड करेंगे। सो हम लोग इस पे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अब इन मसाले को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मसाला थोड़ा सूखा होने को आ गया है तो हम लोग इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके चलाएंगे।
अब हमारा मसाला पूरी तरह से बन चुका है। इस पे हम लोग चिकन ऐड करेंगे और अच्छे से चिकन को मसाले में मिक्स कर देंगे। चिकन को ऐसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे मसालों के साथ मिक्स कीजिए। अभी गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और चिकन को ढक के 10 मिनट तक पकाइए। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है। हम लोग ढक्कन उठा के देखेंगे कैसे दिख के आ रहा है। चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये आधा कुक भी हो चुका है। तो अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा मिला के इस पे फिर पानी ऐड कर लेंगे। इस पे पानी ऐड करने के बाद हमें इसे ढक के लो फ्लेम पे और 15 मिनट तक पकाना है। आइए देखते हैं हमारी चिकन कैसे दिख रही है। वाह, इट लुक्स अमेजिंग। आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे लाल कलर साइड से आ गया है करी पे और ये बहुत ही यम लग रही है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बट इसमें अभी हम लोग 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ऐसे ही धीमे आंच पे 1 मिनट तक चलाएंगे, फिर हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। लीजिए, सबसे इजी एंड क्विक चिकन करी तैयार है आपके लिए। तो ये था यम्मी एंड डिलीशियस चिकन करी। सो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बना। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, और एक ज़रूरी बात, डोंट वरी अबाउट द मैच, मैच इंडिया ही जीतने वाली है।